हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 की कविता टेसू राजा बीच बाजार। तो चलिए इसको देख लेते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो चलिए आप देख लेते हैं इसके सरलार्थ को। टेसू राजा बीच बाजार। अब टेसू राजा जो हैं वो बाजार के बीच में गए, और वहाँ पर जाकर बाजार क्या होता है? बाजार वो होता है जहाँ पर हमको हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे किताबें हों, कुछ भी हमको लेना हो, चाहे सब्जी लेनी हो, है ना। तो हम सब जो चीज़ें लेने जाते हैं कहाँ लेने जाते हैं? बाजार में जाते हैं। तो टेसू राजा भी बाजार में गए और वहाँ पर बीचों बीच जा कर के वहाँ क्या लेने ले रहे थे? वो ले रहे थे अनार। अनार देखा है ना आपने? जी बिल्कुल, ये अनार होता है, और अनार में आपने देखा होगा बहुत सारे दाने होते हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इस अनार में दाने कितने हैं? क्या आपने कभी अनार के दानों को काउंट किया है, गिना है? नहीं ना। लेकिन वो जो टेसू राजा हैं वो पूछ रहे हैं बाजार में कि इस अनार में दाने कितने हैं। तो उसने क्या कहा, जो फ्रूट वाला था उसने बोला कि जितने कंबल में खाने होते हैं। तो कंबल में उसने पूछा कि कंबल में खाने कितने हैं, टेसू राजा ने पूछा। तो उसने कहा कि भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब बताओ भेड़ ये क्यों बताए कि कंबल में खाने कितने हैं? यानी किसी को भी क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो कंबल में खाने गिने? अब आपसे कोई पूछे कि आपके सर पर कितने बाल हैं तो क्या आप काउंट करके बताएंगे? या कोई आपसे ये पूछे कि आकाश में कितने तारे हैं तो उसको गिनना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, असंभव होता है। इसलिए ऐसे ही उसने कहा कि अब अनार के दानों को कौन गिने, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिनते हो, है ना, ऐसा आपने भी सुना होगा। तो ऐसे ही उसने कहा, जो फ्रूट वाला था उसने कहा कि मैं क्यों बताऊँ, अब भेड़ भला क्यों लगी बताने, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्यों बताऊँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। अब अगला उसने पूछा कि एक झुंड में भेड़ें कितनी हैं, तो उसने कहा कि एक पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं उतनी ही भेड़ें हैं। अब जैसे कि एक एक पेड़ पर जो है पत्तों को गिनना मुश्किल होता है, उसी तरह से एक झुंड में भेड़ों को गिनना भी मुश्किल होता है, क्योंकि भेड़ें बार बार इधर उधर मिक्स हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जो भेड़े को, जो उनका मालिक होता है ना, जो भेड़ों को चलाने वाला जो चरवाहा होता है, उसको पता होता है कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं गिनती में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप एक को गिनोगे तब तक वो दूसरे में मिक्स हो जाएगी। ऐसे ही आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक झुंड में भेड़ें कितनी हैं, जैसे कि एक पेड़ पर पत्तों को गिनना बहुत मुश्किल होता है। तो अब उसने, जो राजा था उसने अगला प्रश्न कर दिया। उसने कहा कि एक पेड़ पर पत्ते कितने हैं, तो उसने कहा कि जितने गोपी के घर लत्ते हैं। लत्ते कहते हैं कपड़ों को, है ना। उसने कहा जितने गोपी के घर कपड़े हैं। अब बताओ, गोपी को कोई जानता ही नहीं, तो उसके घर में कपड़े कौन गिनने जाएगा, है ना। तो उसने, अब उसने पूछा कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं, कि गोपी के घर कपड़े हैं कितने, तो उसने बताया, उसने कहा आज कलकत्ता में जितने कुत्ते हैं ना उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। अब बताओ, अब अगर कोई कलकत्ता में रहता होगा तो भी वो कुत्तों को नहीं गिन पाएगा, है ना। क्या आपके शहर में कितने कुत्ते हैं आपको पता रहता है? नहीं पता रहता ना। ऐसे ही उसने ऐसे ही कह दिया कि जितने कलकत्ता में कुत्ते हैं ना उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। तो उसने फिर कहा कि इस अनार में ना 20,23,000 दाने हैं एक अनार में। अब आप सोचो कि क्या एक अनार में 20,23,000 दाने हो सकते हैं? नहीं होते ना। लेकिन वो ऐसे ही कह रहा है कि राजा जी इस अनार में तो 20,23,000 दाने हैं। तो उसने कहा, राजा को बड़ा ही अच्छा लगा, उसने कहा अरे इतने दानों वाला अनार है। तो उसने कहा कि मुझको तो दो चार दे दो,
एक से तो कुछ नहीं होने वाला, 2000 से तो मज़े ही आ जाएगा, बहुत सारे इतने दाने निकलेंगे, 20 लाख, 23,000। आपको ये कविता कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं इसकी वर्कशीट के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय।